सैनिटी पैड को लेके इतना सब कुछ होता है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू। और इतना सब कुछ कहा जाता है प्रधानमंत्री के माध्यम से, अक्षय कुमार साहब आके बातें करते हैं जी, शौचालय की बातें होती हैं, बेसिक बात कोई नहीं करता, चाहे वो महिलाओं की हो या किसी और वर्ग की हो, कि जब खाने को मिलेगा तो ही आगे कुछ अपने बारे में सोचा जाए। ये पूरा आइडिया, हाउ डू यू नो यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस आइडिया, ये कैसे जहन में आया, खास करके जब मैं मुंबई शहर की बात करता हूँ, हर दूसरे चौराहे पे, लिंकिंग रोड जैसा पॉश इलाका, लेकिन रात के वक्त आप निकल जाइए, कोई आपको महिला कहीं अपने बच्चे को लेके बैठी होगी या लेटी होगी, या कहीं इस कश्मकश में होगी कि कहाँ रुकूँ या कहाँ सोऊँ। यार ये हाउ दिस होल जर्नी ऑफ योर शॉर्ट फिल्म हैपेंड। देखिए, हम लोग सैनिटरी पैड की तो बात कर रहे हैं, हम लोग मासिक धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब ये भिखारी महिला या होमलेस महिला, हम जिसको भी कहें, जिसकी भी हम लोग जब बात करते हैं, तो वहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाता है। सैनिटरी पैड की हम लोग बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी हैं मानसिक धर्म को लेके, सैनिटरी पैड को लेके, लेकिन जो भिखारी महिला है उसके बारे में हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि मेरा मानना है कि वो महिला है, उसे भी उतना ही डिग्निटी, सम्मान, आत्मसम्मान या पर्सनल हाइजीन का अधिकार है जितना मैं और बाकी महिलाओं को है, उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है। तो मैं यही सोचती थी कि जब ये महिलाओं को मैं देखती थी सड़क पे सोते हुए, बैठे हुए, भीख मांगते हुए, तो मेरे दिमाग में यही आता था कि ये उन दिनों क्या करती होंगी, मतलब ये कहाँ पर बदलती होंगी कपड़ा, कहाँ पर नहाती होंगी, कहाँ पर ये क्या करती होंगी, ये कैसे करती हैं, जब इनको दर्द होता है तो ये क्या इलाज करती हैं अपना, इनके पास जब रोटी नहीं है खाने को तो वो बाकी चीज़ें कैसे हैंडल करती होंगी। तो दैट आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू नो, और मुझे बहुत ही तकलीफ़ भी होती थी। तो यही बस ये तकलीफ़ ने इस फिल्म को जन्म दिया है। आपने खुद प्रोड्यूस भी किया, उसको डायरेक्ट भी किया, अपने लोगों से आके मुलाकात भी करी, वो कैसा रहा और क्या जहन में था, क्या चेहरा दिखाने की कोशिश है, हालांकि इतना ज़्यादा कई जगह पर सम्मानित हुई है फिल्म, क्या आपको लगा था कि यहाँ तक जाएगी ये बात, मतलब यहाँ तक लोग इतना सराहेंगे, इतना प्यार देंगे? देखिए, एक्चुअली मुझे फिल्म करनी थी, यू नो, मुझे बनाना था, मुझे इस मुद्दे को लेकर फिल्म बनानी थी, लेकिन इतने ज़्यादा फेस्टिवल में इसको सराहना मिलेगी और इतना ज़्यादा लोग टच हो जाएंगे इस मुद्दे को, ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग सो मच ऑफ सपोर्ट, यू नो, कपल ऑफ NGOs हैव अप्रोच्ड मी एंड दे जस्ट वांटेड टू एसोसिएट, और मुझे उस बात की बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटे से मेरे पहलू ने, छोटे से मेरे कदम ने इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। So do you think the central government or the state government should come, you know, come up and support you in this initiative, start helping the people, the female who is there on the road? Yeah, of course. I mean, they should make shelter homes. कुछ तो करना चाहिए। अब देखिए, ये क्या है, हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। I don't want to blame a particular government or something, but कुछ हमारे सिस्टम में ही गड़बड़ है, उसके वजह से ही क्या होता है कि इतनी गरीबी भी है, इतनी लाचारी भी है, और महिलाओं, जो सारी महिलाओं को, स्पेशली जो इस वर्ग की महिलाएं हैं, वहाँ तक फैसिलिटीज पहुँच ही नहीं पा रही हैं। आगे क्या नेक्स्ट कदम क्या होगा, और अब तक कहाँ तक बात पहुँची, जब मैं केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ, क्या उनको आके एक नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, स्पेशली हिंदुस्तान के जिस भी कोने में, रोड पे, सड़क पे, इस तरह से महिलाएं जो रहती हैं, जीवन बसर करती हैं, उसके लिए कुछ कार्रवाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और आई एम एसोसिएटिंग विद फ्यू NGOs, और हम लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाएंगे। अब वो जितने दरवाजे हमारे लिए खोलते हैं नहीं है, वो तो चलो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो लगी रहेगी, वो चलती रहेगी। ओके, व्हाट नेक्स्ट, आर यू प्लानिंग, यू नो, टू प्रोड्यूस और डायरेक्ट सम कमर्शियल मसाला फिल्म, और दिस इज जस्ट अ इनिशिएटिव ऑफ योर्स व्हिच इज अ कंसर्न फॉर द फीमेल्स ऑफ इंडिया? देखिए, मसाला, आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द मसाला मूवी, बट ऑफकोर्स अ फीचर फिल्म, मेरी तो फिल्म, फीचर फिल्म ऐसे भी रेडी है, एक जो पहली फीचर फिल्म है मेरी नंगे पांव, वो तो तैयार है रिलीज़ के लिए। दूसरी फीचर फिल्म की मैं तैयारी पे कर रही हूँ, तो लिखना तो मेरा काम है, मैं लिखती रहूँगी और फिल्में बनाती रहूँगी। अ फीमेल डायरेक्टर हुम यू आइडलाइज, कि दिस इज शी, आई यू कंसीडर हर और माय आइडल ऑफ योर्स? there are a lot of directors in India. We have, and it's fantastic, from Gauri Shinde to Meghna Gulzar to Zoya Akhtar.
आई मीन अश्विनी, यू नो देर आर सो मेनी ब्यूटिफुल डायरेक्टर्स एंड दे आर मेकिंग फैंटास्टिक फिल्म्स. आई मीन ऑफकोर्स दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट. एनी फीमेल एक्ट्रेस यू वांट टू कास्ट इन योर फिल्म? कास्ट इन व्हाट सेंस? एज एन एक्टर? एज एन एक्ट्रेस. एनी फीमेल, एज ए फीमेल एक्ट्रेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू वांट हर टू बी टू प्ले अ लीडिंग लीडिंग पार्ट इन योर फिल्म? सी, व्हेन आई एम सच अ ग्रेट एक्टर, आई डोंट नीड एनीवन, यू नो. या, हाउ इज योर जर्नी इन द इंडस्ट्री सो फार? जर्नी हैज़ बीन रियली टफ एंड बट रियली इंटरेस्टिंग. सो दैट्स इट. आपको अपनी लड़ाई लड़नी है और हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं. ऑब्वियसली हम हर चीज़ का मुकाबला करेंगे, तो फेवरेटिज्म और डैशिज्म चलता रहेगा. उसका कोई भी हर इंडस्ट्री में होता है, फेवरेटिज्म का हो या नया नेपोटिज्म का हो, हर इंडस्ट्री में है. ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होगा. लेकिन जो हम बाहर से आते हैं, जो पहली जनरेशन है, उन्हें हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है. चाहे वो कपूर जनरेशन हो या कुछ और खान जनरेशन हो, पहली जो जनरेशन है उसको लड़ाई करनी ही पड़ती है. एंड दैट्स इट. सो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड फाइट इट. डू यू थिंक नेपोटिज्म एग्जिस्ट? 100% हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है. एक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है. पॉलिटिक्स में देखिए ना, मतलब Have you ever faced anything in Bollywood, in Hindi film industry? Every day we are facing it. Every single day, every single moment we are facing it. Any role which is just supposed to be done by you, pass it to somebody else because she has so-called references? I will not talk about some role or something right now, but every day we face it. I mean, yeah. Yahi film, agar ek, suppose ek bahut bade producer ki beti banati, ya bahut bade director ki beti ya biwi banati, to ye film to pata nahi kya, mashallah, kya ban jati na. अब मैंने बनाई है तो फिर मुझे इसके लिए बोलना पड़ रहा है, राइट? अगर यही फिल्म किसी उस बेटी या बहू या बीवी के हाथों से बनती या उसकी आधी भी कंटेंट की बनती, तो भी पता नहीं कितनी बड़ी बन जाती ना. उसकी डंकी की चोट पे उसकी सारी वाह करते और लोग ट्वीट करते, राइट? बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े नेता ट्वीट करते उसके बारे में. लेकिन तो ये आपके सामने लड़ाई दिख रही है ना आपको. अगर वो किसी और बुद्धिजीवी सो कॉल्ड इंडस्ट्री की शख्सियत की होती तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी ट्वीट करके उस फिल्म की सराहना कर रहे होते, जबकि सराहना के लायक ही. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.